बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे इतने महंगे कपड़े लेकर दिए। इसका सवाब तो जावेद को मिलेगा वैसे, बस आप हम दोनों के लिए दुआ कीजिएगा। हाँ जी करूंगी जी दुआ, अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे, कितने अच्छे हैं आप दोनों। इतने तो सब चीजें कितनी सजा के रखी है, आपको बताए जो हमारे घर के पास ठेले है ना, उधर के गोलगप्पे भी बहुत मजेदार होते हैं, और फिर मेरे कॉलेज के बाहर ना रेड़ियां लगी होती है, कभी मैं आपको वहाँ का अंडे वाला बर्गर और समोसे खिलाऊ ना, आपको मजा आ जाए। लेकिन जमीला जी आपको बताए, घर का फीका पड़ोस इतना बच जाएगा खाना खा खा के ना, बोर हो गई हूँ मैं, मुझे इस तरह के खाने पसंद। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगी, जब आपका दिल चाहे ना चटपटे खाना खाने को तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको तैयार करके दे दिया करूंगी। भाई बात सुने, वो ना ऐसे करो कि एक प्लेट गोलगप्पे और दो प्लेटें दही भल्लों की ला दो। और भाई वो दही भल्ले में थोड़ी सी तीखी चटनी और साथ में मसाला ज्यादा डालिएगा, ठीक है? हरी मिर्ची भी डाल दीजिएगा। गोलगप्पे अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है? एक चख के देखती हूँ। सो व्हाट, से बात करो। नो नो नो, आई वुडंट गेट इनटू दिस, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट योरसेल्फ। नो, आई एम टोटली आउट ऑफ दिस। नो, एंड डोंट कॉल मी अगेन। हेलो निगी आंटी। हाय बेब, हाउ आर यू? आई एम गुड। वैसे मैं अब तुम्हारी मदर इन लॉ, पर तुम्हें स्पेशल प्रिविलेज है, यू कैन कॉल मी मॉम। ओके निगी, एक्चुअली मॉम। गुड गर्ल, क्विक लर्नर। वेयर वर यू? आई वाज वेटिंग फॉर यू। पता है जूली भी घर पे नहीं है। आई वाज गेटिंग सो बोर्ड। सो व्हाट, तुम अपनी उस जेठानी साहिबा मिस दुर्रे नाया सो कॉल्ड लूसन एनी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती थी। ओ कम ऑन, आपको क्या लगता है मेरा स्टैंडर्ड इतना लो है कि मैं उस लूजर के साथ टाइम स्पेंड करूंगी? गिव मी अ ब्रेक। सिर्फ बाय द वे, वो लूजर नैनी है कहाँ पर? वो लूजर नैनी एक और गवार के साथ शॉपिंग पे गई है। एंड यू नो व्हाट, जावियर ने उसे अपना एटीएम कार्ड दिया। व्हाट, सी आउट ऑफ हिज माइंड, अपना कार्ड उसे दे दिया, एंड नाउ लाखों की शॉपिंग करके वो अपने सस्ते से रिश्तेदारों में बांटेगी कपड़े। हाउ कुड ही बी सो सो सेंसलेस? एग्जैक्टली, यू नो व्हाट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, सो दैट यू कीप एन आई। ऑफ कोर्स आई विल। या एनीवे, चाय पियेंगे आप? नो थैंक यू, आई एम गुड। कम ऑन, व्हाट हैपेंड? आज शॉपिंग का इतना मजा आया, इतना एंजॉय किया मैंने, और आपको पता है जावेद, इतने मजे के गोलगप्पे और दही भल्ले भी खाए मैंने। क्या खाए? मैंने कपड़े बहुत अच्छे लिए, आपको दिखाती हूँ। नहीं नहीं, बताओ जरा क्या कह रही थी, क्या खाया तुमने आज? वो मुझे बचपन से दही भल्ले और गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक था, और आपको पता है मेरे कॉलेज के बाहर ना एक ठेले वाले अंकल बहुत अच्छे बेचते थे, मैं हर दूसरे दिन वहां से खाती थी, तो बस आज वही यादें दुबाला कर ली। That's it. तुम्हारा घर से जाना बंद, आज के बाद तुम जहां जाओगी मेरे साथ जाओगी, ओनली। आप इस बात पे नाराज हो गए? आपके यहां दही भले और गोलगप्पे नहीं खाते? ये बात नहीं है नायाब,
जरूर तुमने किसी ठेले से खाए होंगे। वहां अगर तुम्हें कोई देख लेता तो फिर कोई नई बात शुरू हो जाती। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ठेले वेले से नहीं खाए, वो तो बड़ी साफ सुथरी टिप टॉप जगह थी जहां से मैंने खाए। That's not the point. जिस माहौल से तुम आई हो तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? इसमें भी कोई मेरी गलती होगी। ठीक है, I'm sorry. रोज सॉरी। सॉरी भी अच्छा लफ्ज़ है, कोई गलती करो पर सॉरी कह दो। ये आपका कार्ड। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे लिए था, रखो इसे। नहीं, ये आप अपने पास ही रख लें, मुझे जरूरत होगी मैं फिर ले लूंगी। अच्छा सॉरी यार, ये मतलब नहीं था, ये तुम्हारे लिए, रखो इसे। दिखाओ क्या लेके आई। आपको दिखाऊं? मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की आज, पता है इतनी बचत की है, वहां पे तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतने चोर, इतनी महंगाई, मैंने पूरे 25,000 में पूरी किफायत सारी से ये सारे कपड़े खरीद लिए। ये देखें, अब फेंक दो इन्हें। से क्या क्या लग रहा था तुम्हें? मैं इंप्रेस हो जाऊंगा ये सुन के कि तुमने बचत की है। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये ना सुनूं कि तुम बचत करके आई हो। फॉर गॉड सेक, मैं करोड़ों रुपए किस लिए कमाता हूं ये सुनने के लिए कि मेरी बीवी बचत करके आई है? और फिर तुम ये सस्ते कपड़े पहन के बाहर जाओगी, फिर बातें बनेंगी। जस्ट गिव देम अवे। मैं तुम्हें खुद शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें लेके दूंगा कपड़े। ओके, कार्ड भी अपने पास रख ले, वो गुम गया तो फिर और डांट पड़ जाएगी। फेंक दो इन्हें। गॉड से क्या है? क्या लग रहा था तुम्हें? मैं इंप्रेस हो जाऊंगा ये सुनके कि तुमने बचत की है। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये ना सुनूं कि तुम बचत करके आई हो। फॉर गॉड सेक, मैं करोड़ों रुपए किस लिए कमाता हूं ये सुनने के लिए कि मेरी बीवी बचत करके आई है?